rating system. There are the generally four types of the category based on the basic of the types of computer they control and the sort of the applications they support the categories are. यानी कि वैसे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फैमिली हैं जिसमें कि मुख्यतः साधारण रूप से चार वर्गीकृत में किया गया है और इसका बेसिक ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बेसिक तरीके से मुख्यतः चार भागों में ही कन्वर्ट किया गया है. टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द कंट्रोल एंड द सॉर्ट एप्लीकेशन दे सपोर्ट द कैटेगरीज आर. यहाँ पे नंबर वन रियल टाइम, नंबर टू मल्टी यूजर, नंबर थर्ड जो है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, और ये रहा लास्ट हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल्का सा रियल टाइम के बारे में. रियल टाइम है क्या? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू कंट्रोल द मशीनरी साइंटिफिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द इंडस्ट्रियल सिस्टम. यानी कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यूज मशीनरी यानी कि मशीनरी की और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी कंट्रोल करने के लिए और जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो वैज्ञानिक तंत्र है और इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसको क्या करता है वो कंट्रोल करता है. इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य जो है यानी कि ये जो है वो जो दिए गए समय पे टास्क होते हैं उसको बिल्कुल पूर्णतः रूप से पूर्ण करता है. यह बहुत ही तेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक है जिसमें कि समय बहुत कम होता है और ये अपना कार्य उस समय पर कर लेता है. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अ मल्टी यूजर ऑफ द एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव द ओनली वन द यूजर बट मे अलाउ द मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट द सेम टाइम. यानी कि इसका मतलब यह हो जाएगा कि ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कार्य यह होता है कि यह कंप्यूटर के सभी गतिविधियों का एक साथ कंट्रोल करता है और नियंत्रण के द्वारा ही ये यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा और रिजल्ट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है लेकिन सेम टाइम पे कर सकता है. कह रहा है कि ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द मेनी डिफरेंट यूजर टू टेक एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्सेज सिमल्टेनियसली. वैसे तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक साथ कई कार्यों को करने का सुविधा रखता है यानी कि सुविधा देता है इसलिए इस मल्टी यूजर को मल्टी प्रोसेसिंग भी कहते हैं. यूनिक्स वीएमएस एंड द मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज द एमबीएस आर द एग्जांपल ऑफ द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो मल्टी यूजर सिस्टम्स के उदाहरण हैं. ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अ मोर देन वन प्रोग्राम टू द रन एट अ सेम टाइम यानी कि एट अ टाइम. यानी कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे तो हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग को ही मल्टी टास्किंग कह सकते हैं जो दो या दो से अधिक एक्टिव प्रोसेस को एक साथ समर्थन देता है और सेम टाइम अलाउ अ मोर देन वन द प्रोग्राम द रनिंग एट अ सेम टाइम. This is the type of the operating system most people use on their the desktop and the laptop computer today. यानी कि जैसे आज उदाहरण के स्वरूप में एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो सिंगल यूजर मल्टीटास्क है इसका उदाहरण हमारा हो गया है डेस्कटॉप और लैपटॉप. यानी कि एक व्यक्ति एक पीपल एक साथ उसके साथ यानी कि जो एक यूजर होता है वो एक समय में बहुत सारे कार्य कर लेते हैं. Microsoft Windows and the Apple Mac operating system platforms are the both example of the operating system. यानी कि मल्टी यूजर टास्किंग यानी जो मल्टी प्रोसेसिंग है मल्टी टास्किंग है इसके ये उदाहरण हो गए हैं Microsoft Windows and the Apple Mac. हमारा आता है लास्ट हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क यानी कि मल्टी में वही है बात कि जो मल्टी टास्किंग यूजर में जो काम होता था जिसमें कि एक समय में
हम बहुत सारे कार्य कर सकते थे, लेकिन कि जो हमारा सिंगल यूजर टास्किंग है, इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग, जिसमें कि एक समय में केवल एक ही टास्क को पूरा किया जा सकता है। और ये जो हमारा पाम है, यहाँ दिख रहा है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिंगल यूजर टास्किंग का उदाहरण है। रोल ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में क्या रोल है, मुख्य भूमिका इसकी क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने हम पिछली बार भी बताया कि मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर्स के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है, और वो प्रोग्राम्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। वैसे तो यहाँ शो किया गया है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क इन द मोस्ट जनरल सेंस फॉल इनटू अ सिक्स कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सरलतर रूप से यहाँ मैनेज किया गया है। नंबर वन जो है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट, सेकेंड डिवाइस मैनेजमेंट, थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, मेमोरी मैनेजमेंट एंड लास्ट है हमारा यूजर इंटरफेस। Now you write the answers of the following questions after pause the video.